राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला मनोह में आपदा से बचाव के लिए संबंधित छात्रों ने एक प्रदर्शन किया। इस कार्यक्रम में विभिन्न समितियों का गठन किया गया, जिसमें खोज बचाव दल, क्षतिग्रस्त बचाव दल, प्राथमिक उपचार दल और अग्नि बचाव दल का गठन किया गया। इस अवसर पर आपदा प्रबंधन के कार्यकर्ता मानचंद ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि आपदा का कोई निश्चित समय नहीं होता है, अतः हमें इस विकट परिस्थितियों का बचाव के लिए पहले से ही तैयार रहना चाहिए और बच्चों को इस कार्य को अंजाम देने के लिए आगे आना चाहिए, क्योंकि बच्चे ही इस देश का भविष्य हैं, अतः उन्हें आपदा के बचाव करने के उपायों की जानकारी अवश्य होनी चाहिए और इन उपायों की जानकारी अपने गांव व समाज को देनी चाहिए, ताकि लोग प्रकृति की आपदाओं से उचित समय पर अपना बचाव कर सकें। इस अवसर पर मानचंद ने बहुत ही विस्तार पूर्वक शब्दों के साथ बच्चों को आपदा से बचाव संबंधी जानकारी प्रदान की कि किस तरह से अपने शरीर के नाजुक भाग सिर का बचाव करना चाहिए, किस तरह से क्षतिग्रस्त लोगों की रक्षा के साथ साथ उन्हें किस तरह से सुरक्षित बाहर निकालना है। इस अवसर पर प्रधानाचार्य अशोक कुमार सोनी ने भी आपदा बचाव से संबंधित बहुत ही उपयोगी बातें बच्चों को बताई और बच्चों से कहा कि आपदा के समय बिजली के उपकरणों को पूर्ण रूप से बंद कर देना चाहिए। इस प्रदर्शन में छात्रों द्वारा विभिन्न बचाव दलों में अपनी अपनी भूमिका बहुत ही अच्छे तरीके से निभाई गई। इस अवसर पर पाठशाला के सभी शिक्षक उपस्थित रहे और विभिन्न बचाव दलों के रूप में अपनी भूमिकाएं निभाई।